छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ही देर शाम पंचमी पर मां बम्लेश्वरी देवी के दर्शन करने के लिए राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मां बम्लेश्वरी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसी के साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता समाप्ति किए जाने पर सीएम भूपेश बघेल के द्वारा आज चुरिया प्रवास पर खड़े किए गए प्रश्न पर कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मामला दर्ज नहीं किया है। जिस प्रकार के अपशब्द राहुल गांधी के द्वारा पीएम मोदी के लिए उपयोग किए गए हैं, न्यायालय ने 2 साल की सजा सुनाई है और जब तक न्यायालय सजा न सुना दे तब तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाती है। चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो तो राहुल गांधी या गांधी परिवार कानून ऊपर नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है, फिर वह छोटा हो चाहे बड़ा हो। राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मामला दर्ज नहीं किया है। राहुल गांधी के मोदी के खिलाफ और मोदी जी यानी प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस प्रकार अपशब्द का उपयोग किया है, न्यायालय ने 2 साल की सजा सुनाई है। जब न्यायालय 2 साल की सजा सुना देता है तो अपने आप सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के आधार पे, सुप्रीम कोर्ट में फैसले के आधार पे सदस्यता अपने आप निरस्त हो जाती है, चाहे कोई व्यक्ति क्यों ना हो। तो राहुल गांधी या गांधी परिवार कानून से ऊपर नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। यदि उसने अपराध किया है, न्यायालय ने दंड दिया है, उस आधार पर उसकी सदस्यता गई। उसमें भाजपा कहाँ है भाई? घोषणा वीर है, मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणा करते हैं, अभी तक क्रियान्वयन 4.5 साल में तो कुछ नहीं हुआ। नरवा गरवा गुरुआ बारी के सिवाय क्या दिखता है छत्तीसगढ़ में।